अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो भी आप इसको बना सकते हैं, और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, कुशन का बेस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ अपनी पुरानी कुर्ती। तो आप किसी तरह का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कुर्ती बेस्ट होती है। तो यहाँ पर ये वाइट है, तो मैं इसको 15x15 इंच का कट कर लूँगी। मुझे जो तैयार लंबाई चाहिए कुशन की वो है 15x15 इंच। तो हाफ हाफ इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा लें ताकि वो स्टिचिंग में चला जाए, अंतर मार्जिन में दब जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप अलग अलग साइजेस के भी बना सकते हैं। तो देखिए, फेस्टिवल तो आ ही रहे हैं तो आपको कुशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। और अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपके पास ये पूरा मटेरियल तो होगा ही होगा इसको बनाने के लिए, तो आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने घर के सामानों से ही बढ़िया से सुंदर से कुशन बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया, अब इसको फटाफट कर लेती हूँ। देखिए, बेस फैब्रिक कटने के बाद अब मैं मेन फैब्रिक को कट कर रही हूँ। और ये मेरी कुर्ती है जो मैंने साड़ी से बनाई थी, लेकिन इसको स्टिच नहीं करा था। तो देखिए, कितना बढ़िया सिल्की सा कपड़ा है ये, देखिए पूरा आर्मोल में पूरा ऊपर कनेक्ट कटा हुआ है, लेकिन स्टिचिंग नहीं कर पाई इसकी। तो अब मैं इसको, क्योंकि बहुत सुंदर था, शाइनी था फैब्रिक है, तो सोच रही हूँ कि फेस्टिवल के लिए एकदम बढ़िया है, तो इसी को ही मैं मेन फैब्रिक की तरह यूज़ करूँगी। तो इस वीडियो को बनाने का ये भी मतलब है कि अगर जिनको स्टिचिंग नहीं आती वो भी आराम से इसको बना ले, और जिनको मशीन चलानी नहीं आती, जिनके पास मशीन नहीं है, वो भी आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, मशीन मेरे पास है तो मैं आपको हाथ से करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सिंपल आप इसमें बकिया कर सकते हैं, बड़े बड़े टाके लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर बैक स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर किसी वीडियो में भी समझा दूंगी, लेकिन आप इस तरीके से जब बनाएंगे ना तो आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिंपल रनिंग स्टिच ही है। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी नाप से कट करना है जितना कि हमने लाइनिंग वाला कपड़ा कट करा था। और इसमें मैं कोई भी चेन नहीं लगा रही हूँ जो डिफ़िकल्ट हो आपको लगाने में, क्योंकि इसको आप हाथ से भी बना सकते हो, तो कोई चेन नहीं लगाना है। कुछ भी एक्स्ट्रा बैक से जैसे एनवलप होता है ना, एनवलप वाले कवर्स, तो उस तरह से नहीं, मैं एकदम सिंपल ताकि कोई भी इसको बना ले, इस तरीके से मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसको रख करके आपको सेम ऐसे ही कट करना है। आप तो मेन फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है, अब आती है इसको सिलने की बारी। तो स्टिचिंग भी बहुत सिंपल है, मशीन से मैं सिल के दिखा रही हूँ, आप हाथ से भी सिल सकते हो। अगर मैं हाथ से सिलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो फिर बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। तो देखिए, फटाफट इसमें बड़े बड़े स्टिचेस मैं करके आपको दिखा रही हूँ। सिंपल इसको करना है चारों तरफ से, बस थोड़ा सा सेंटर में हम जगह छोड़ देंगे जहाँ से हम इसमें फिलर डाल सकें। ठीक है, फिलर मतलब कोई भी आपके पास कॉटन है तो आप इसमें भर सकते हो, आपके पास कतरने हैं कपड़ों की तो आप भर सकते हो, अगर बड़े बड़े हैं तो उनको छोटा छोटा कट कर लीजिए, आप इसमें वो भी डाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ तक सिलने के बाद ना अब इसको पीछे से थोड़ा सा लॉक कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही स्पेस करना है। तो वापस मशीन को इस तरीके से चला लेंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी कर लेंगे। तो अब आपके पास जितनी जो जगह बची है वहाँ से आप अपना फिलर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कुशन हम सिल लेंगे, बस हमें एक ही जगह पर ये ऐसे जगह छोड़नी है ओपन। अब जहाँ से हमने जगह छोड़ी थी वहीं से ही कपड़े को पलट लेंगे और उसके कॉर्नर्स को भी निकाल लेंगे। तो देखिए, कुशन तो हमारा बन गया है, अब हम मेन इसमें कवर बना रहे हैं, और इसको भी सिंपल सिलना है जैसे हमने इसको सिला था।
मतलब तीनों तरफ आपको सिलने हैं। इसके बाद जो चौथा पार्ट आएगा ना, उसको पूरा वैसे ही एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि यहीं से हम अपना कुशन डालेंगे। देखिए, जो हमने फिलर बनाया था इसमें, उसमें हमने थोड़ा सा जगह छोड़ी थी और बाकी इसमें हम फिलर डालेंगे, लेकिन इसमें हम एक हिस्सा पूरा छोड़ देंगे जहाँ से हम कुशन इसमें इंसर्ट करेंगे। क्योंकि इसमें मैं चेन नहीं लगा रही हूँ, इसलिए इतना हिस्सा छोड़ रही हूँ। और इसमें फिर बाद में टाके, आप डायरेक्ट मशीन भी चला सकते हैं, तो मैं आपको मशीन चला के ही दिखाऊंगी कि देखिए मशीन चला के भी कितना अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें हाथ से टाके करिए या फिर चेन लगी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम कलर यूज़ करिएगा थ्रेड का, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पूरा दिखे, इसलिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके ईजिली। तो जो हिस्सा खुला रखना है उस पर देखिए इस तरीके से मोड़ करके दोनों साइड से इसको मशीन चला लेंगे, ठीक है। आपका ये कुशन कवर पूरा बन करके रेडी हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कोई भी बना लेगा, कोई भी टफ नहीं है। जिसको नहीं आता है वो भी बना लेगा, इतना आसान है। क्योंकि सब कुछ सबके पास नहीं होता है, किसी के पास मशीन नहीं होती है, किसी को आता नहीं, किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास साड़ी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है पुराना ही कपड़ा हो, आप नए कपड़े से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश है, बढ़िया है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छी कंडीशन में पुराने कपड़े हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक अच्छी कंडीशन में था कुर्ती का कपड़ा, जो मैंने सूट साड़ी से ही कट करा था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास साड़ियाँ हैं इस तरह की, कुछ कुर्ते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे भी फेस्टिवल्स हैं, तो आप तरह तरह की चीज़ों को बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, सवार सकते हैं। कुशन के कॉर्नर्स को निकालने के बाद अब फिलर्स को फिल कर लेते हैं। तो देखिए कैसे फिल करना है, ये भी आप देख लीजिए। आपके पास जो भी कपड़े हों उनको, अगर उसमें जैसे टाइट है तो उनको हटा दीजिए, और छोटे छोटे कपड़ों को कट करके इस तरह से इसमें भर दीजिए। तो ये छोटे हैं, अगर आपको और छोटे करने हैं तो आप और छोटे कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं दबा दूंगी तो ये अपने आप सेट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको भर दिया है, और इसको अब करना है इसको बंद। तो बंद करने के लिए आप इस तरीके से दबा दें और सीधे हाथ से टाके लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर मशीन चला रही हूँ, आप सिंपल हाथ से कर लीजिए। और वैसे भी जो आप मार्केट में देखेंगे ना, उस पर भी हाथ से ही टाके लगते हैं, मशीन से नहीं। तो आप मशीन चलाएं चाहे हाथ से करें, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं आपको मशीन से चला करके आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देखिए मशीन चला करके मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है और इसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट कर लीजिए, और ये आपका पूरा कुशन बन करके रेडी हो चुका है। मैंने बनाया तो इसको फ्लोर कुशन था, फ्लोर में आप सोफ़ा जिसे कहते हैं, फ्लोर सोफ़ा बनाया था, लेकिन मैं इसको अपने चेयर पे भी, यहाँ पर जहाँ मैं बैठती हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ। बच्चों जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ, मतलब कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आप बड़े साइज़ का बनाएंगे तो ये पूरा आपका फ्लोर सोफे का काम करेगा। आपको इसमें दो बनाने हैं, एक को आप फ्लोर पे रखेंगे और दूसरे को साइड में रखेंगे, तो पूरा आपका फ्लोर सोफ़ा बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे फिल करना है, वो तो इसमें आपने डाल दिया, लेकिन इसको स्टिच कैसे करना है। इसमें सिंपल स्टिच करना है, मैं यहाँ से आपको हाथ से भी सिल के दिखा सकती हूँ, मशीन से भी सिल के दिखा सकती हूँ। सिंपल, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से इसमें टाके लगा लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर मशीन से सिल रही हूँ। और मैं डायरेक्ट, मतलब इसको मैं एक फिलर डाल करके इसमें सिल रही हूँ, और कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से सिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, कुशन बन करके रेडी है, और इसमें कुछ भी मैंने नहीं एक्स्ट्रा खर्च करा है। कपड़े पुराने थे, वेस्ट थे, और कतरने जो फिलर थी वो भी पुराना था। तो क्योंकि मैं स्टिचिंग करती रहती हूँ, मेरे पास इतने कपड़े रहते ही रहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपके पास जो कपड़े पुराने हो जाए ना, आप उसको अंदर फिल कर सकती हैं कट करके। तो इसको यूज़ करिए फ्लोर सोफ़ा के तौर पर, आप इसको चेयर पर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको सोफ़े पर भी यूज़ कर सकते हो, दीवान पर भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।